हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो नोटिस है वो कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL लेवल का जो एग्ज़ाम होना है 2021 वाला, उसी को लेकर के, और इसमें जो करेक्शन ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन डेटा, तो यहाँ पे जो है करेक्शन करने के लिए दिया गया, जो अप्लीकेशन आप लोगों ने भरा हुआ है तो CGL का जो है वो उसमें करेक्शन के लिए जो भी नोटिस दिया गया उस बारे में मैं एक करके बताता हूँ। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर ऐसे ही नोटिस अपडेट भी दिए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। तो यहाँ पे आप पहले देख रहे हैं विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। तो यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो है यानी कि जो साइट में खुलेगा वो फिर बारे में बता रहा है। द विंडो विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 जनवरी 2022 टू 1 फरवरी 2022। यानी कि ये जो है विंडो ओपन होगा वो आपका 28 जनवरी 2022 से लेकर के 1 फरवरी 2022 तक में यह विंडो आपके पास में खुल जाएगा। इसमें है ड्यूरिंग द विंडो ए कैंडिडेट हु डिजायर टू मेक एनी चेंजेस इन हीज हर अप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट मॉडिफाइड ऑनलाइन अप्लीकेशन पैरामीटर्स कैंडिडेट विल ऑल्सो बी एबल टू मेक चेंजेस इन वन टाइम रजिस्टर्ड डेटा। तो यहाँ पे जो है इसमें कैंडिडेट अपना अप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, और इसमें जो अप्लीकेशन पैरामीटर है उसमें भी अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन डेटा के हिसाब से ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको आप एक बार चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला में है ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन द अप्लीकेशन फॉर्म हुज कंप्लीटेड ऑनलाइन अप्लीकेशन अलोंग विद पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टिव फी इफ अप्लीकेबल हैव बीन रिसीव्ड बाय द कमीशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिलअप भर चुके हैं और पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें वो जो अपना फी भी पेमेंट कर चुके हैं, वही कैंडिडेट लोग यहाँ पे इसको करेक्शन कर सकते हैं। जो टाइम दिया गया है उस टाइम के भीतर में आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। इफ़ ए कैंडिडेट मेक ए मिस्टेक इन हिज अपडेटेड अप्लीकेशन ऑल्सो ही विल बी अलाउड टू सबमिट वन मोर करेक्टेड अप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग रिक्वेस्टी करेक्शंस मॉडिफिकेशंस। यहाँ पे है कि आप एक बार यहाँ पे करेक्शन कर लिए हैं, उसके बाद में अगर आपका गलती हो जाता है अपडेट करने में तो उसके लिए भी आप एक बार फिर मतलब वन मोर टाइम उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है नो मोर करेक्शन इन द अप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउड आफ्टर 1 फरवरी 2022 अंडर एनी सर्कमस्टेंस। उसके बाद में आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1 फरवरी 2022 के बाद में आप कोई अप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार मॉडिफाइड किए उसमें सही हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, उसका उसमें भी एक बार मॉडिफाइड करते समय भी गलती हो गई तो वन मोर टाइम आप फिर से कर सकते हैं, लेकिन जो डेट दिया गया है 1 फरवरी उतना तक में ही आपको कर लेना है। लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज द वैलिड वन एंड द प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिटेड बाय सच कैंडिडेट्स विल बी कैंसल। जो भी आपका मॉडिफाइड हो जाएगा उसी को वैलिड माना जाएगा, और जो पहले प्रीवियस भरा हुआ रहेगा उसको फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि जो आप नया मॉडिफाइड किए रहेंगे वही आपके लिए अब नया वाला हो जाएगा, और जो पुराना रहेगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पे जो है फी को लेकर के कुछ है, द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड सबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो है जो पहली बार आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे, जो भी है चेंज करना है उसमें आपको 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद में है एंड 500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड सबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड टाइम। और इसमें जो है दूसरी बार अगर वन मोर टाइम करने का रहेगा जो भी करेंगे वन मोर टाइम वो, तो उसके लिए दोबारा जब करने जाएंगे तो 500 रुपया लगेगा। यानी कि पहली बार में आपको 200 रुपये लगेंगे और दूसरी बार में अगर करेक्शन करना चाहते तो उसके लिए आपको 500 रुपये लगेगा, ये यहाँ पे आयोग की ओर से कमीशन की ओर से कहा गया है। द करेक्शन चार्ज विल बी अप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर कैटेगरी। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स हैं जेंडर कैटेगरी के हिसाब से उनको चार्ज किया जाएगा, ये इस प्रकार से कहा गया। तो पहली बार में 200 रुपया 200 और सेकेंड टाइम में आपको 500 चार्ज किए जाएंगे। द करेक्शन चार्ज कैन बी पेड ओनली बाई ऑनलाइन मोड दैट इज भीम UPI नेट बैंकिंग यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड मेस्टेरियो रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड नो ऑफलाइन चालान फैसिलिटी विल अवेलेबल। तो ये जो चार्ज किए जाएंगे वो आप भीम UPI से नेट बैंकिंग के थ्रू वीजा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड इसी से कर सकते हैं, आपको चालान के थ्रू ये नहीं हो पाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नो करेक्शन चार्ज वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस नॉर विल इट बी एडजस्ट अगेंस्ट एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन।
तो यहाँ पे जो है कि ये जो चार्ज करने के बाद में वो रिफंड नहीं किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे कहा गया है। बिफोर सबमिशन द करेक्टेड एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। आफ्टर एक्सपायरी द विंडो नो चेंजेस करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। रिक्वेस्ट रिसीव इन दिस रिगार्ड इन एनी फॉर्म लाइक पोस्ट फैक्स ईमेल बाय हैंड शैल नॉट बी इटेंड इन द बाय द कमीशन एंड विल बी सबमिटेड समरली रिजेक्टेड। तो यहाँ पे जो है कि आपको कहा जा रहा है कि जितने भी आपको फॉर्म फिलअप है उसको सारे के सारे पूरी तरीके अच्छे तरीके से देखते हुए भर लेना है, और एक्सपायरी डेट होने के बाद में आप फिर चेंज कर नहीं कर सकते हैं ये भी कहा गया। और आपको पोस्ट ऑफिस मेल इसके थ्रू से ये सब सारी चीज़ें जो है वो नहीं भेजा जाएगा, ये कमीशन की ओर से पहले ही कहा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर सेक्रेटरी 25 जनवरी 2022 यानी कि 25 जनवरी 2022 में यह आयोग कमीशन की ओर से यह कहा गया है। तो ये जो जानकारी है वो आप लोगों के लिए ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से ये जो विंडो है उसके लिए जो डेट है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसमें जो है फी किस प्रकार से लगेगा फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यही अपडेट है CGL एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के।